तो जी फाइनली पहुंच गए हम विलेज। एज़ यू कैन सी बड़े क्यूट क्यूट से यहाँ पे होटल वगैरह बने हुए हैं और यहाँ से बस अब हम जाने लगे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे फ्री गोंडोला राइड चलती है जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक वो पकड़ लेंगे ताकि थोड़े ऊपर के नज़ारे हो जाए। और आजकल क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कोई हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहा है तो थोड़ा सा ड्रोन उड़ा के आपको एरियल भी दिखा दूंगा, नहीं तो एटलीस्ट गोंडोला से तो ले ही सकते हैं। तो चले ज़रा एक बार यहाँ के हिल स्टेशन पर भी नज़र मार लें। और ये एग्जांपल है एक टिपिकल नॉर्थ अमेरिकन स्की रिजॉर्ट टाउन का, जिसमें सर्दियों के टाइम लोग इन पहाड़ियों पर स्की करने आते हैं और गर्मियों में कई और तरह की एक्टिविटीज। बट यहां महंगे रिजॉर्ट्स और मार्केट्स में 12 महीने रौनक लगी रहती है। हाँ सर, कैमरे वैमरा ले लें? इजाजत हो तो यार ये मत किया कर तू। क्यों, पैसे दे के सेट कराई है? नहीं फिर मैंने कहा इसके नाम का ना टाको का प्लेस खुला हुआ है, मोहित के नाम का कमीनो। साला बड़ा कमीना है। वैसे चल रहा है कोविड, मगर यहाँ पे माहौल उस तरीके से है नहीं क्योंकि लोग एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग तो रख रहे हैं और मास्क तो जब कहीं अंदर जाते हैं तो ही मैंडेटरी है ना। वो सब ठीक है मगर मैं बोल रहा हूँ जब हम मोहट्रम गए थे तो यहाँ दोबारा क्यों लेके आ गए? तेरे को दिखाने लाए, पब्लिक को दिखाने के लिए लाए हैं कि ऐसा जो है क्वेबेक में भी। अगर आपने वो पीछे वीडियो नहीं देखी है तो धीरे चलना सामने अगर यार फिर सैनिटाइज करना पड़ेगा इसको लगा दिए और फिर सैनिटाइजर को जो सैनिटाइज करना पड़ेगा वो बात फेल हो गया। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने ये देखा तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं। माउंट ट्रम्बला एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही है जो यहाँ का ये विलेज रिजॉर्ट है, एक तरीके से माउंटेन स्की रिजॉर्ट। सर्दियों में ये बहुत हॉट होते हैं, गर्मियों में यहाँ पे थोड़े से लोग जो है समर एक्टिविटीज़ करने आते हैं जो कि आर नॉट एज पॉपुलर एज विंटर एक्टिविटीज़, बट स्टिल गुड फॉर अ वीकेंड गेट अवे। बाकी सुंदरता तो है ही है। देखो माउंट ट्रम्बला में तो गोंडोला राइड फ्री है, आप ऊपर जा सकते हो जी, ठीक है। और यहाँ पे आउट ऑफ बजट है, ड्रोन उड़ा के काम चलाना पड़ेगा। एक काम कर लेता हूँ पहले, मास्क पहन लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि तेरा तो पता नहीं है, इतना पॉपुलर है नहीं। मुझे देख के लोग अगर आ जाए आस पास तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या लुक निकली है, मास्क की दाढ़ी दिखाई अपनी एक बार। उससे क्या होता है, टिकट पता कितने की है? हाँ, एक दिन की $17 पर पर्सन है, $17 वो, मगर सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक या शायद रात के 9 बजे तक, मगर अपने पहले ही बज गए हैं 4:45 तो इसलिए हम क्या अभी 1 घंटा कितना कर लेंगे। मगर $17 तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए $17 शायद ना भी हो मगर $51 तो है ना, तीन लोगों के $51। भैया हमारी बजट नहीं है तो हम पैदल ही जा रहे हैं ऊपर। वैसे ये यहाँ से ज्यादा इधर जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये कुछ और है, अपने को और ऊपर जाना है। जी लोग स्की करके नीचे आते हैं और अभी समर एक्टिविटीज़ है तो मिनी गोल्फ चल रहा है और ये छोटे मोटे पटरियाँ से लगी हुई हैं, बच्चे ऊपर जा रहे हैं, लड़के हुए नीचे आ रहे हैं। मगर इन सब की तरह को पता है जो टिकट है सिर्फ ऑन द स्पॉट मिल रही है, वो भी लिमिटेड एक्सेस के साथ, मगर जो पूरी फुल टिकट है वो 2-2 हफ्ते पहले से बुकिंग हुई पड़ी है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की रिस्ट्रिक्शन है कि इतने ही लोग इस एरिया में अलाउ हो सकते हैं। वो तो हम मंडे को आए हैं और शाम के टाइम पहुँचे, जब जनता जा चुकी है तो हम यहाँ आके थोड़ा बहुत कुछ देख भी पा रहे हैं, अदरवाइज मुश्किल बहुत है। $51 कौन खर्च करेगा, 2500-3000 लग जाएंगे शौक शौक में, इसलिए हमने सोचा
जितना जा सकते हैं पैदल ही चलने, जितनी कैपेसिटी है। वैसे अब टांगों में जानती है नहीं, पर कोई बात नहीं, जवान लौंडा साथ है, चल रहे हैं। वो पीछे सामने व्यू दिख रहे हैं, और मौका लगा तो कहीं से अपना ड्रोन शोन उड़ा लेंगे साइड पे हो गए। वैसे हाँ। वैसे भाई ये खूब खर्चे हो रहे हैं, मोटर वो बोट ले लिया है, हाँ। मोटर होम ले लिया है, हाँ। यहाँ बोल रहा है $51 भाई, इतनी दूर से आया मिलने $51 नहीं खर्च कर रहा भाई साहब। सांस फूल रही है, फिर भी डायलॉग बोल रहा हूँ मैं, अपनी बात कर लूँ? हाँ बोलो। क्योंकि इतने खर्चे कर लिए ना, बड़े बड़े और झमेले पाल लिए हैं, हाँ। इसलिए नहीं खर्चे कर पा रहा भाई। गॉड। और दूसरी बात ये भी है, कोई भी नहीं पता कि कल को मोटर में फ्रिज खराब हो जाए, या डिशवॉशर खराब हो जाए, हाँ। या इंडिकेटर खराब हो जाए, वहाँ कितना खर्चा लग जाएगा, उसके लिए बचा के चलने ना। जोड़ो 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 जोड़ रहे भाई, जोड़ रहे। अब ये इंस्टाग्राम के लिए अपनी फोटो शोटो खिंचवा रहे हैं, एक तो बीच बीच में मेरे को काम रोकना पड़ता है, इनको अपना फोटोज़ बढ़िया हैं, पर चलो कोई बात नहीं। इधर इधर ध्यान दे, फोटो यहाँ खींच रही है। ऐसे हम ले लेते हैं जी कैंडिड वैंडिड, कभी यार थंबनेल के लिए फोटो अच्छी मिल जाती है तुका लग जाता है। बस अभी थोड़ा और आगे जाएंगे जहाँ तक हिम्मत अलाउ करती है, उसके बाद फिर वापसी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, खर्चा करने की बजट है नहीं, आपको पता हिसाब किताब टाइट ही है। अब भाई लेंगे फोटो 0.5 पे, ठीक है ना, एकदम बढ़िया कॉम्पोजिशन सेट करके। चल मॉडल मॉडल पोज वन, आई मेरा मॉडल पोज वन चेंज। कुछ नहीं खेलता मैं, लोग बहुत बोलते हैं पबजी पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, नहीं टिंडर बता दे, टिंडर भी वही होगा और क्या होता है। यार डॉगी से जरा बच के चल, वैसे तो इन्होंने ना कोविड के चक्कर में वन वे कर रखा है ट्रैफिक, इधर से आने वाले इधर इधर है, रॉन्ग लेन में खड़ा है, यहाँ पे भी हो गई है ताकि डिस्टेंसिंग बनी रहे, बट आगे क्योंकि डॉगी खड़ा है तो हम सामने वालों को राइट ऑफ वे देंगे और लेफ्ट से जाएंगे, बिल्कुल ट्रैफिक वाले रूल। चलो यार मेरा आज बड़ा मन था तो जगह अच्छी जगह पे ना, हाँ, डिनर कराऊं रेस्टोरेंट में, मगर ये अब ये फ्लू के चक्कर में डाइनिंग वगैरह बंद है ना सारी। अबे सब खुल गई है, बाहर पैटियो सब अलाउड है। पैटियो नहीं, अंदर उसमें मजा आता है एसी में, इतना ठंडा। छोड़ यार तेरे बहाने चलते रहेंगे, मैं कैसा करता हूँ तेरे को आज बड़ी जगह पे खाना मैं खिलाता हूँ, बहुत ही बढ़िया बार पे, तू खिला ना विंग्स वगैरह, हाँ मैं खिलाऊंगा भगवान कसम, बहुत बढ़िया खाना खिलाऊंगा। वो तो नहीं है ना तुझे 50% मिलता है डिस्काउंट, और नहीं तो क्या, क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। एक तो जो मिल रहा है उस पर शुक्र नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी जिनको पूरे पैसे पे खिलाया जाता है ना वो लोग थोड़े अलग होते हैं, समझ आई मतलब। आ जा बाद में समझाऊंगा। चल ये भी सही है, थोड़ी क्लीशे फोटो तो खिंचवा लें ब्लू के साथ, थंबनेल लिख लीजिए ऐसी, नहीं वैसी वैसी बढ़िया बढ़िया पोज मार, बढ़िया बढ़िया पोज मार। हंसना 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 थोड़ा हंसना, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बेइज्जती हो रही है। चल थोड़ा चलते हुए, तेरे चलने वाला शॉट, चलने वाला वॉकिंग शॉट बहुत जरूरी होता है, बढ़िया लग रहा है, चलो स्क्रीनशॉट आना चाहिए निकल अच्छा सा। जा भाई तू भी खिंचवा ले, जा 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 शाबाश। ठीक है आ जा आ जा आ जा आ जा निकल अच्छा अच्छा आ जा। यार रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ये कह रहा था रिकॉर्ड ही मत कर इसको, मैं बोल रहा हूं आज कभी नहीं बोलूंगा भाई, आप इसे उम्मीद है, इनसे कभी उम्मीद नहीं है इस चीज की। तू देख लियो वीडियो में अगर ऐसे बोला हो मैंने। ठीक है
यार हमें भी ना योगा वोगा करना चाहिए, हमारी बॉडी सुडोल होगी से पूरा डोल बाहर निकल रहा है, जिसने दूध भर कहा था उसको डोल बोलते थे, डोल वही करना चाहिए ना भाई, डोलू क्यों निकल। योगा करने से यार थोड़ा सा ये एटलीस्ट ऑर्गन्स बेटर हो जाते हैं और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेच, क्योंकि मेरी वैसी ना रिजिडिटी बहुत है मसल्स में। बस जी, फिर इसके बाद जी को मैंने वादे के मुताबिक डिनर करा दिया और वो चला गया वापस अपने 3 व्लॉग बनवा के, और हम आ गए हैं आगे तकरीबन 1200-1500 किलोमीटर गाड़ी चला के थंडर बे के नज़दीक, और अब यहाँ से बस आगे तैयारी है क्रॉस करने की। विनिपेग जाना है बाबूजी को छोड़ने के लिए मैनिटोबा प्रोविंस में। बट ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, यहाँ तक की जर्नी की। और बीच में एक पसूड़ी पड़ गई थी, उसकी डिटेल सारी आपको आगे की वीडियोज़ में देते रहेंगे। जिनके टाइमली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, चैनल को सपोर्ट उसी से मिलता है। बाकी हवा बड़ी चल रही है, चलाते हैं सर गाड़ी इस पे बहुत तेज हवा, अभी गाड़ी चला के आगे आज हमने फिर एक लंबी ट्रिप लगानी।